हेलो दोस्तों, आज स्वागत है आपका इस नए आज के एजुकेशन ब्लॉग में। और आज हम बात करने जा रहे हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसको आप CBSE भी बोलते हैं। और आज जो हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे आप CBSE से अपने डुप्लीकेट मार्कशीट, माइग्रेशन या पास सर्टिफिकेट निकलवा सकते हैं, वो भी घर बैठे ऑनलाइन। तो हम सारी उसी के बारे में बात करेंगे, और साथ में ही हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्ट के बारे में। वो थोड़ा ऑफलाइन प्रोसेस है, तो चलो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे हमें ये सारा कुछ यहाँ से अप्लाई करना है और कैसे ये यहां से लेना है। तो उसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले CBSE के पोर्टल पे चले जाना है। तो हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि कैसे आपको ट्रांसक्रिप्ट लेनी है, कैसे आपको सर्टिफिकेट्स लेने हैं। जैसे अगर हम बात करें आपको माइग्रेशन कैसे लेना है, आपकी मार्कशीट गुम हो गई तो वो कैसे लेना है, या पास सर्टिफिकेट आपको कैसे लेना है, तो हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। और कितनी फीस लगेगी उसके बारे में बात करेंगे, ट्रांसक्रिप्ट की भी बात करेंगे और दोनों की बात करेंगे। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन के ऊपर चले जाना है। और उसके साथ साथ कई लोगों को यहाँ पे आपको ट्रांसक्रिप्ट लेने के लिए भी आएगा कि ट्रांसक्रिप्ट के लिए तो ऑफलाइन ही आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद मैं सारा डिटेल में बताऊंगा कि आपको कैसे लेनी है। उसके बाद भी ये मेरा नंबर है 8727832882, ये मेरा नंबर है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद भी अगर ट्रांसक्रिप्ट की कोई हेल्प चाहिए तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपको ट्रांसक्रिप्ट लेनी है CBSE बोर्ड से, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से, तो इसकी दोस्तों कोई भी अभी तक जो एज पर इंफॉर्मेशन ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है, ये आपको ऑफलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा CBSE के पोर्टल पे जाके। तो उसके लिए आपको कैसे क्या करना है, ठीक है। उसके लिए जैसे आपका जो भी जिस भी जहाँ से भी आपने किया हुआ है CBSE का, तो उसके आपके डिफरेंट डिफरेंट रिकॉर्ड हैं, उनके सेंटर हैं। तो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूँ CEO अजमेर, जिनका रिकॉर्ड अजमेर से है, उनकी ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे आपने जाना है। जैसे एड्रेस अगर की बात की जाए तो इसका ये एड्रेस है, ये फ़ोन नंबर है, ये ईमेल आईडी है, आपने यहाँ पे जाना है। आपने जिस भी एजेंसी के लिए आपने अप्लाई कर रहे हैं, जैसे वेस्ट के लिए, IQS के लिए, CES के लिए, जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, या कनाडा और USA को छोड़कर आप दूसरी कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए आपका एकेडमिक रिक्वेस्ट फॉर्म होगा। आपके 10th या 12th का जो भी आपका सर्टिफिकेट है आपने साथ में लेके जाना है, ठीक है। उसके साथ आपने अपना आईडी प्रूफ लेके जाना है, और आपने यहाँ पे उनकी फीस सबमिट करनी है, और वहाँ पे जाके आपने जमा करवा देना है। तो उसके बाद वो आपके ट्रांसक्रिप्ट को बना के और उनसे कांटेक्ट कर लेना, वो भेज देंगे। तो उसके बाद अगर CEO भोपाल में आपका रिकॉर्ड है, तो यहाँ पे जाके आपने अप्लाई करना है। इसी तरह ये सारे भुवनेश्वर में है, तो वहाँ पे आपको फिजिकल जाना है, ठीक है। तो उसकी जो जो भी आपके डॉक्यूमेंट है साथ में लेके जाना है। तो ये सारा कुछ फिजिकल ही है, जैसा कि ये आप देख रहे हो रिकॉर्ड। अगर दिल्ली का वेस्ट है, अगर आपका ईस्ट वेस्ट ये अलग अलग हैं, पहुंच करके आप देख लेना। गुवाहाटी का ये वाला एड्रेस है, ठीक है, ये वाला यहाँ एड्रेस आपका आंध्र प्रदेश में है, ये नोएडा का है, ठीक है, नोएडा के इनके ऑफिस, ठीक है। ये पंचकुला का है, जिनका रिकॉर्ड पंचकुला में है, ठीक है, जिनका रिकॉर्ड पटना में है। तो ऐसे करके आपको जहाँ पे भी आपका रिकॉर्ड है वहाँ पे चले जाना है, और वहाँ से आपने जाके बनवा लेनी है। इसके बाद आप फीस की पूछोगे। अगर मैं देखिए एग्जाम्पल लेता हूँ, मोहाली का एग्जाम्पल लेता हूँ, या मैं एग्जाम्पल लूँ आपको मोहाली का एग्जाम्पल, या मैं लूँ पंचकुला का, तो वहाँ पे आपकी पर डॉक्यूमेंट 500 फीस लगनी है, और 1400 से 2600 जो भी आपके पोस्टल चार्जेज होंगे। अगर आप वेस्ट या USA को भेज रहे हो उसके ये चार्जेज है, अगर आप दूसरी कंट्री को भेज रहे हो तो उसके डिफरेंट डिफरेंट चार्जेज हैं, वहाँ जाके आपको हो जाएगा, क्योंकि वो भी आपने पे करने होंगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसक्रिप्ट में। आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट ले लेके, कितनी फीस है मैं आपको दिखा भी देता हूँ इनका फीस का, ठीक है। तो देखिए अब जो अभी एग्जैक्टली इन्होंने ट्रांसक्रिप्ट की कहीं फीस मुझे दिखी नहीं है जो कि मैं आपको बता सकूं, बट अगर मोहाली और पंचकुला की बात करें तो 500 है। अगर वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट एज लाइक एक ट्रांसक्रिप्ट होते तो इन्होंने 500 बताया हुआ है, तो मे भी ये थोड़ा सा सेंटर टू सेंटर डिफरेंट करती है, तो इनके अकॉर्डिंग ही आपकी फीस आप लगा के आइडिया चल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बोला था, अब हम बात करने जा रहे हैं अगर आपकी मार्कशीट लॉस्ट हुई है, अगर आपका माइग्रेशन या पास सर्टिफिकेट है, तो वो आपने कैसे अप्लाई करना है और उसकी कितनी फीस रहेगी। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आपने डुप्लीकेट
या ट्राई तीसरी बार अप्लाई कर रहे हैं आप, तो कॉपी ऑफ अगर आपने 12th की लेनी है, 10th की लेनी है, मार्कशीट सर्टिफिकेट या ग्रेड से सीट कम सर्टिफिकेट ऑफ परफॉर्मेंस लेना है, तो उसकी क्या क्या फीस रहेगी देखिए। अगर अप टू 5 ईयर्स तक आप पासिंग का रिकॉर्ड है तो उसकी 250 है, अगर 5 साल से ज़्यादा है और 10 साल तक है तो 500 है, अगर 10 साल से 20 ईयर तक है तो उसका 1000 है, अगर मोर देन 20 ईयर्स पासिंग है तो 2000 है। जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट और डुप्लीकेट कॉपी की है उसकी 250 है, डेट ऑफ बर्थ अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी 250 है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेना है तो उसकी 200 है, अर्जेंट तत्काल फीस ऑफ डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट एडिशनल टू द फीस ऑफ 500, मतलब कि जो ये फीस है वो तो लगे ही लगेगी, अगर आप अर्जेंट में तत्काल ले रहे हैं तो 500 वो एक्स्ट्रा लेके चलेगा। करेक्शन इन द सर्टिफिकेट मार्कशीट लाइक डेट ऑफ बर्थ या आपको नेम में करेक्शन करवानी है तो इसकी 1000 है। वेरिफिकेशन ऑफ द स्टेटमेंट मार्क्स सर्टिफिकेट ऑफ 10th और 12th का बोर्ड अप्रूव्ड कैंडिडेट एस्पेक्ट द क्लास गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अगर वेरिफिकेशन ऑफ क्या होता है, यह एक तरह से जैसे इंडिया में वेरिफिकेशन करवा के गवर्नमेंट एजेंसी या कॉलेज में ले लेते हैं, वैसे ही वो ट्रांसक्रिप्ट बाहर की एजेंसियों को हम भेजते हैं, तो इसका मोस्टली जो मेरे को अभी आइडिया फिजिकल पता लगा है कि पंचकुला और मोहाली की तो 500 पर डॉक्यूमेंट लगते हैं, वैसे ही आप दिल्ली और जहां जहां भी आपका रिकॉर्ड है वहां पे आप अप्लाई करके देख सकते हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है दोस्तों, उसके बाद जैसा कि आपने इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद आपने ये देखना है डुप्लीकेट अकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, आपने इस पर क्लिक करना है, इसके किसी पे भी क्लिक कर दिए, जैसे मैं अकेडमिक पे क्लिक करूंगा तो मुझे इस पोर्टल पे ले आएंगे, अगर आप ऐसे में सोचिए अगर मैं दूसरे पे भी क्लिक करूंगा तो मेरे को DADS का ये पोर्टल है, डुप्लीकेट अकेडमिक डॉक्यूमेंट सिस्टम इन्होंने ऑनलाइन बनाया है, तो हमने जाके यहाँ पे कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू जाने के बाद हमारा डिजिटल डॉक्यूमेंट फीस प्रायर टू द ईयर 2017 इज 100 है, अगर हमने अपने डॉक्यूमेंट प्रिंट करने हैं तो उसके लिए हमने यहाँ पे जाना है। अप्लाई करने के बाद हमने क्लास सेलेक्ट कर देनी है, अपना रोल नंबर डाल देना है, जो भी आपका यहाँ पे रोल नंबर होगा, आपका ईयर जो भी आपका ईयर है, आप जो भी आपका ईयर है 2000, ठीक है, आपका कैंडिडेट का नेम XYZ जो भी आपका नेम है, आपके फादर का नेम जो भी आपके फादर का नेम है, और यहाँ पे सर्च करना है, ठीक है। सर्च करने के बाद जो भी आपका आगे आएगा उसके बाद अभी क्या करना है, उसके बाद आपने क्या करना है, आप जैसे ही आगे चलेंगे सारा रिकॉर्ड डालने के बाद, ठीक है, उसके बाद आपने ट्रैक कर लेना, उसके बाद आपने फीस पे कर देनी, और फीस जो रहेगी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। उस तरह आपने जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे अप्लाई कर देना है, उसके बाद क्या होगा, जब सारा प्रोसेस आप कर लेंगे, सारा रिकॉर्ड आप डाल लेंगे, सारी फीस आप पे कर देंगे स्टेप बाय स्टेप, तो वो क्या होगा, आप जैसे ही आप ये पूछेंगे आप क्या अप्लाई कर रहे हैं, माइग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं, सर्टिफिकेट ले रहे हैं, तो आगे स्टेप जाके आएंगे, तो आपने उसको स्टेप बाय स्टेप क्लिक करते चलना है, और क्लिक करने के बाद आपने सारी पेमेंट कर देनी है, और उसके बाद आपने सारा अपना एड्रेस यहाँ पे फिल कर देना है। एड्रेस फिल करने के बाद जो भी आप एड्रेस दोगे उस एड्रेस पे वो आपको आपका सर्टिफिकेट भेज देंगे, ठीक है। ड्यूरेशन थोड़ी सी चेंज आ सकती है क्योंकि कोविड की वजह से थोड़ी सिचुएशन चेंज हुई है और आपको पता ही है, तो जो भी ड्यूरेशन के थोड़े टाइम के बाद आपको वहाँ पे सर्टिफिकेट आपके घर पे पहुँचा दिया जाएगा। तो होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा कि कैसे आपने डुप्लीकेट एकेडमिक डॉक्यूमेंट सिस्टम के थ्रू DADS के थ्रू आपने डॉक्यूमेंट को अप्लाई करना है, वहाँ से मार्कशीट कैसे लेनी है 10th या 12th की, माइग्रेशन कैसे लेना है, डेट ऑफ बर्थ कैसे लेना है, तो सारा कुछ आप स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके यहाँ से ले ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपको कोई कमेंट हो तो मेरे को बताना, अगर और कुछ नहीं समझ रहा तो हम एक वीडियो और बना देंगे। थैंक यू दोस्तों।